Good morning student, it's your bio classes and today we will discuss the fourth part of the tissue in which we will be discussing about the muscular tissue. Previously, we already discussed about epithelial and connective ones. So, let's start the topic. See, what is muscular tissue? It is made up of muscle fiber which are long cells. ये muscle fibers के बने हुए होते हैं जो कि एक long cell है. Long cell cells, ये elongated structures होते हैं ये muscle fiber, ठीक है? और ये मसल फाइबर ही एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मसल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. जो मसल्स बने होते हैं ना वो मसल्स फाइबर्स के होते हैं और ये मसल्स फाइबर लॉन्ग सेल्स होते हैं, इलॉन्गेटेड लॉन्ग सेल्स, जैसा अभी यहाँ पे आप देख सकते हो. एंड इट अलाउड द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, दैट मीन्स ये हमारे बॉडी में मूवमेंट्स को अलाउड करता है. जैसे स्केलेटल टिश्यू क्या करते हैं, ये शेप अप करता है हमारे बॉडी को, हमें बॉडी को शेप देता है. और मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे स्केलेटल टिश्यू के साथ ही, ठीक है? सिर्फ मस्कुलर टिश्यू अकेले मूव नहीं कर सकते, इन सम एक्सेप्शनल केस जैसे अर्थवर्म में स्केलेटल टिश्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ मसल्स टिश्यूज ही वहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मसल्स कैन कॉज मूवमेंट. मसल्स मूवमेंट कैसे करते हैं? मसल्स फाइबर्स जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आखिर वो मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है? सी, इट कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन, ठीक है? ये एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं. इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये मेनली मसल्स फाइबर को फॉर्म करता है. तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है मसल्स के. ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ना, ये जब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट इज सो मच इलास्टिक, ठीक है? इस वजह से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत आराम से हो सकता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री मसल्स फॉर्म्ड होते हैं. वॉलंट्री दैट मीन्स जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और इनवॉलंट्री जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते. मैं आगे इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, वॉलंट्री इनवॉलंट्री. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो मसल्स कैसे मूव करते हैं. तो इट मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अगर मसल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, ठीक है? मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वे में मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स और मसल टिश्यूज में कितने होते हैं. ये सी फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज वॉलेंट्री, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. इस वॉलेंट्री मसल्स को हम दो नेम से और जानते हैं, इनका दो नेम्स और है, स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल. स्केलेटल वर्ड से आप समझ सकते हो कि ये टफ स्ट्रक्चर्स हो सकता है, ठीक है? और स्ट्राइटेड मीन्स लेयर्स. मैंने स्ट्रेटिफाइड में ये डिस्कस किया था, स्ट्राइटेड ईयर्स यहाँ पे हम स्ट्रिप ले सकते हैं. इस वर्ड को समझने के लिए हम स्ट्रिप समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रिप्टेड होता है ना लाइनिंग लेयर्स, वैसे ही हम इसे यहाँ पे समझ सकते हैं. तो वॉलेंट्री मसल्स को हम और क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल, ओके? और ये मसल्स हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारे अनुसार ये काम करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हैंड्स हैं तो हम चाहेंगे कि हम हैंड से लिखें तभी हम लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहोगे तो लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है. जब आपका बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर विल, ओके? दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू मसल्स, दे अटैच टू द बोन. ऑब्वियसली ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ये बोन्स के साथ अटैच होंगे. इट इज़ कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द डार्क एंड लाइट बैंड. सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं. ये लाइट और डार्क बैंड ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. आप इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर्स में बताया जाएगा कि कैसे वो जो फाइबर्स है एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि जैसे मान लो ये मसल्स के फाइबर्स है, ओके? और जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दैट मीन्स यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जब ये दूर जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी मूव करेगा और रिलैक्सेशन के समय बॉडी स्टैंड हो जाएगा, ओके?
सेल्स ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स हैव अ मोर देन वन न्यूक्लियस. ऑब्वियसली ये मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं, ये ब्रांच नहीं होते, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं हैं और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ द आवर हैंड्स एंड लेग्स, हमारे हैंड्स और लेग्स में जो मसल्स हैं इलॉन्गेटेड वे में, ये ब्रांच्ड नहीं होंगे और ये सिलेंड्रिकल होंगे और ये मल्टी न्यूक्लेटेड होंगे. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है इस मसल फाइबर्स में और मसल्स वॉलेंट्री मसल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. सी वॉलेंट्री के बाद है इनवॉलेंट्री, दैट मीन्स जो अकॉर्डिंग हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे और वो स्ट्रैटेड कहलाता था, इसे हम अनस्ट्रैटेड कहेंगे. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्मूथ मसल, दैट मीन्स ये देखने में स्मूथ अपीयरेंस देगा और स्मूथ दिखेगा, इसलिए हो सकता है इसे स्मूथ कहा जाता है, स्मूथ मसल्स. ठीक है. वी कैनॉट स्टार्ट एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ऑब्वियसली ये हमारे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता, इसीलिए हम इससे मसल्स को स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते अपने तरीके से. दे ऑल्सो कॉल स्मूथ मसल्स ऑब्वियसली एंड कॉल अनस्ट्रैटेड मसल्स बिकॉज दे डू नॉट शो लाइट एंड डार्क बैंड. वो जो स्ट्रक्चर बताया था अभी, एक लाइट बैंड शो कर रहा है, दूसरा डार्क बैंड शो कर रहा है. ओके ये जो स्ट्रक्चर्स अभी बताया गया था आपको यहाँ पे, ये एक लाइट बैंड शो करेगा, मानो ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, वैसे ही यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा है. द सेल ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स आर लॉन्ग एंड हैव पॉइंटेड. ये वाला डायग्राम होप सो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है तो याद होगा. ये जो डायग्राम था ये पॉइंटेड था ना, एक दोनों साइड में पॉइंटेड एट बोथ द एंड. ये जो पॉइंटेड मसल्स है दैट इज़ फॉर स्मूथ. ठीक है, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट रहते थे एंड बीच में एक न्यूक्लियस. ये इनवॉलेंट्री मसल्स है. ओके दैट मीन्स पॉइंटेड एट द बोथ द एंड. एंड फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इरीज ऑफ आवर आई, हमारी आँखों में जो इरीज होती है ना उसमें ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेंगे उन. जैसे आप डार्क रूम में आते हो, लाइट से डार्क रूम में आते हो, तो ये रोड एंड कॉन सेल्स होते हैं इरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिलैक्स करते हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसे हम अकॉर्डिंग अपने नहीं ढाल सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते हैं. इसीलिए नाउ द नेक्स्ट वन कार्डिक मसल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कार्डिक मसल्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि स्पेशल काइंड के कौन से मसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है. ये स्पेशल टाइप का मसल्स है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हार्ट में जो मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली बीट करते हैं और कंटिन्यूसली उनकी वर्क हमेशा स्टार्ट रहते हैं, तो इसमें वो कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं. अगर फोर मसल्स का कॉम्बिनेशन समझो तो दो मसल्स काम करेंगे, दो मसल्स रिलैक्स करेंगे, और दो मसल्स जब पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो रिलैक्स करेंगे एंड देन नेक्स्ट वन वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये लोग कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं और ये ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री इंस्टेंस है क्योंकि ये स्पेशल काइंड के मसल्स हैं जो हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते, हार्ट हमारे अकॉर्डिंगली बीट नहीं करता. इसीलिए मसल्स ऑफ हार्ट कॉल्ड कार्डिक मसल, ऑब्वियसली दे परफॉर्म अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट आवर लाइफ. ये हमारे लाइफ के थ्रू आउट जब तक हमारा लाइफ है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में एक पर्टिकुलर इंटरवल और टाइमिंग होती है. ऐसा नहीं कि वो अभी कर रहे हैं थोड़ी के बाद नहीं करेंगे रिलैक्स करेंगे, ऐसा नहीं है. इनका प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, अदरवाइज जो भी वर्क है वो हैम्पर हो सकता है. एंड द कार्डिक मसल शेप इज सिलेंड्रिकल, दे आर ब्रांच्ड, पहले वाले ब्रांच्ड नहीं थे, ये ब्रांच्ड हैं और ये सिंगल न्यूक्लियस है, दैट मीन्स यूनि न्यूक्लेटेड होते हैं, इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. कार्डिक मसल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल्स कनेक्टेड बाय अ इंटरकैलेटरल डिस्क टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शनल ऑर्गन. ये जो इंटरकैलेटरल डिस्क है ये डायग्राम में आपको आगे बताऊंगी. ये जैसे मान लो ये मसल्स है कार्डिक मसल्स, तो ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला रिलैक्स करेगा.
तो ये इंटरकनेक्टेड डिस्क के थ्रू ही एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया। नाउ कम टू द डायग्राम। सी, यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं डायग्राम वाइज। पहला जो है स्केलेटल मसल, ये वाला, तो इसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट रहता है, ये बताया गया था। सी, ब्लू कलर का आपको जो डॉट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये जो डॉट देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। और आपको इस डायग्राम में जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में आपको ये बैंड दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बैंड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स में बैंड है, एक लाइट ऑरेंज है, एक डार्क ऑरेंज है। वन वन मान लो ये लाइट और लाइट ऑरेंज है, दूसरा उसके जस्ट बगल में डार्क ऑरेंज है, ये डार्क ऑरेंज, ये लाइट ऑरेंज, उस टाइप से। तो जो लाइट कलर है दैट्स कॉल्ड द लाइट बैंड, और डार्क कलर जो है वो डार्क बैंड को शो कर रहा है। यही मसल्स एक दूसरे पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों लाइट और डार्क बैंड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, एक सेकेंड, मान लो ये लाइट और डार्क बैंड्स है, ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब एक दूसरे से हटेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे। तो इस वे में जब हम अपने हैंड्स को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, दैट मीन्स एक साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे साइड के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, और इस वजह से हम अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। जस्ट नीचे आपके, इसके जस्ट नीचे आपको कार्डिक मसल्स दिया गया है, बताया हुआ है। कार्डिक मसल्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये इंटरकलेटर डिस्क के बारे में जो बताया जाता है, ये है इंटरकलेटर डिस्क, ओके। ये इंटरकलेटर डिस्क एक दूसरे मसल्स से अटैच रहते हैं, इनकी अटैचमेंट ऐसे होती है जिसकी वजह से मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सेकेंड वन रिलैक्स करेगा, देन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट वन रिलैक्स करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, इसलिए थकते नहीं हैं, कंटिन्यूसली वो बीटिंग का काम करते रहते हैं, और ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है। एंड द स्मूथ मसल्स, यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है, जो आपने 8 में भी पढ़ा है डायग्राम, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ऊपर जो कार्डिक मसल बताया गया। और इसमें स्मूथ अपीयरेंस इसलिए होता है ना कि देखो, एक मसल्स का ना पॉइंटेड पोर्शन दूसरे मसल्स के पॉइंट पोर्शन को ओवरलैप करता है, तो इस वजह से ना इनका अपीयरेंस स्मूथ दिखता है। और इसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे, ऑब्वियसली आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि स्केलेटल्स में है। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्केलेटल्स में, लाइट एंड डार्क बैंड वाला, वो स्मूथ मसल्स में नहीं दिखेगा। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्वस टिश्यू डिस्कस करेंगे, सो नोट इट डाउन एज वेल एंड लर्न इट। थैंक यू एंड कीप स्टडी, कीप हेल्दी।